चलें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है अल्लाह के फजल से आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बनाएंगे आइसक्रीम बेस, जो हम बना के रख लेंगे तो हम इसे बहुत ही ज़्यादा, जब भी हमारा दिल चाहेगा तो हम आइसक्रीम बना लिया करेंगे। CMS पाउडर और GMS पाउडर है, जो देखिए यह मैंने ऑनलाइन मंगवाए हैं। जितनी मुझे ज़रूरत थी वो मैंने निकालनी है और बाकी मैंने ज़िपर बैग में डाल के इन्हें मैं फ्रिज में रख दूँगी। इसके लिए हमने लिया है CMC पाउडर 1/2 टेबल स्पून ली है, ये आइसक्रीम को बहुत ही सॉफ्ट बनाता है। GMS पाउडर है 1 टेबल स्पून, ये आइसक्रीम जब बनाते हैं, इसकी बेस जब बनाएं तो ये आइसक्रीम में क्रिस्टल नहीं बनने देता। 2 टेबल स्पून कॉर्नस्टार्च के हैं, 1 टेबल स्पून चीनी के हैं, 1/2 लीटर दूध है और इसमें थोड़ा सा दूध हमने 1 कप निकाल लिया है। इसमें हम ये सारी चीज़ें डाल के तो इसे एक साइड पर करेंगे। इसमें CMS पाउडर, GMS पाउडर और कॉर्नफ्लोर डाल के तो अच्छी तरह मिक्स करके एक साइड पे रख लिए। बाद 1/2 लीटर दूध को हमने सिर्फ गर्म करना है, जो ही बॉयल आना शुरू हो उसे बॉयल नहीं करना। बॉयल आना शुरू हो तो फौरन ही हमने जो बैटर हमने मिक्स करके रखे इसमें डाल देंगे। देखें ये ठीक हो गया, इसी आपने गुटलियाँ नहीं बनने देंगी। हैंड मिक्सर की मदद से हम इसे मिक्स करते जाएंगे अच्छी तरह। साथ ही इसमें हम डाल देंगे चीनी 4 टेबल स्पून। चीनी डालने के बाद हम इसे मिक्स करते जाएंगे और इसे 1 मिनट पकाएंगे। चूल्हे से उतारने के बाद फिर हम इसे 1 मिनट इसे मिक्स करेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। इस बैटर को ब्लेंडर में डाल के अच्छी तरह ब्लेंड करेंगे ताकि एक स्मूथ बैटर बन जाए। फिर इस बैटर को स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन कर लेंगे। फिर इसे कंटेनर में डाल के इसे बंद कर देंगे और फ्रीजर में रखेंगे 6 घंटे के लिए। 6 घंटे बाद जब हम इस फ्रिज से निकालेंगे तो ये आपकी जो बेस आइसक्रीम बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी होगी। आइसक्रीम बेस रेडी हो चुकी है। अल्लाह आप सबको खुश रखें, आमीन। बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।